बहुत कंफ्यूज थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उधर, ना मैं अच्छा परफॉर्म कर पा रहा था ना पूरी टीम। तो बेस्ट ऑप्शन मुझे ये लगा कि मेरे को छोड़ना चाहिए अभी, बिकॉज मुझे अपना ऑफिशियल अच्छा खेलना है, तो इसलिए मैंने गॉड लाइक छोड़ी। मुझे कोई मतलब डाउट नहीं रखना था कि मैं BGS में प्लेइंग फॉर्म में रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मेरे को खुद पे ट्रस्ट था, तो मैंने अपने ऊपर बैठ ली और इसलिए मैंने छोड़ा वो चीज़। तो भाई BGS 2024 के क्या प्लान्स हैं आपके? जैसे कि सबको पता है कि मैंने अभी 8-bit ज्वाइन कर लिया है, मैं अपनी टीम पे बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, बिकॉज सब बहुत अच्छा खेलते हैं, मैक, जूसी, मैडमैन एंड माइटी, मेरे को उनमें फुल भरोसा है। तो BGS के लिए बहुत अच्छा मतलब प्लान हमारे, बेस्ट देना अपना और जीत के दिखाना है। तो भाई आप गोडलाइक में थे, तो वहां पे सबसे अच्छा पर्सन कौन है गोडलाइक का और क्यों है वो? सबसे बेस्ट निक्सन भाई, फिर आता है ज़ीगॉड, तीसरा है नियो। नियो स्ट्रीम पे जो दिखता है रियल में उससे बहुत अलग है, बहुत चिल बनता है, बहुत मस्ती करता है साथ में, बहुत मजाकिया है। जब तक भाई कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक, जब तक तुम्हारा भाई कुछ नहीं बोलता था, टेंशन मत लो। जहाँ पे भी जा रहे हो अपने बंदों का है वो, जो भी है अपने बंदे हैं पहले वहाँ से। बस आप लोग को एक चीज़ कहा था कि मैं कभी सोल नहीं जाऊँगा, ये चीज़ मैंने आपको कही थी और वो चीज़ पे मैं अभी भी स्टिक हूँ कि नहीं, ऑब्वियसली नहीं, जो भी है।